श्रीदेवी का निधन शनिवार को दुबई में हो गया, लेकिन श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मंगलवार की रात को मुंबई पहुंचा। श्रीदेवी के निधन के बाद कई सारे सवाल सामने आने लगे। सबसे बड़ा सवाल श्रीदेवी की मौत को लेकर सामने आया, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट में ये सामने आया कि उनकी मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई। इसके बाद श्रीदेवी की मौत को लेकर दुबई में जांच शुरू हो गई। भारतीय हाईकमान लगातार वहां बोनी कपूर के परिवार की मदद कर रहा था, लेकिन अब जो ट्वीट सामने आया है उससे तो यही लगता है कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी श्रीदेवी के शव को भारत में लाने में बड़ी मदद की है। इस ट्वीट में इस बात का जिक्र है कि सुषमा स्वराज ने मदद की, लेकिन वो ऐसा हर भारतीय के लिए करते हैं। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज विदेश में फंसे हर भारतीय की मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार बुधवार को दिन में 3:30 बजे होगा। इतना ही नहीं, लोगों के आम दर्शन के लिए भी 9:30 से 12:30 बजे तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। आपको बता दूं कि श्रीदेवी के देहांत के बाद करीब 3 दिन तक दुबई में उनका शरीर रहा था और अब आखिरकार वो मुंबई वापस आ गई हैं। तो भारत की चांदनी मुंबई पहुंच गई हैं और कल पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। वक्त है 3:30 बजे का। वन इंडिया परिवार की तरफ से, फिल्मी बीट परिवार की तरफ से श्रीदेवी जी को श्रद्धांजलि।